सामने सामने आए। अरे आप तो छुपा के रखे, सारे चीजों की जांच होगी, गलत कंफर्म रही है, कोई छूटने वाले नहीं है आप लोग। आप जो माफिया राज सोचते हैं, माफिया राज बनाना चाहते हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, यही है आपका। ये सब पे इलाज होगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। यहाँ तो सदस्य ने ही कहा कि हमरे लोग खाना हमरा खाए, और आज विधानसभा ये जो 5 विधायक हमारे गायब हुए हैं ना, एक एक का इलाज करूंगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। और कहाँ कहाँ रहा, अरे आप लोग तो खेला कर रहे थे, हम लोगों ने खिलौना दे दिया है सदस्य का, खिलौना से जाके खेलिएगा। शांति शांति। देखिए साथियों, और जनता दल की सरकार देश में थी तब प्रधानमंत्री आपका था, कोई दूसरे का नहीं था, तब से आप जेल जा रहे हैं, कोई नया काम नहीं हो रहा है। आपके पार्टी ने आपको कहा कि आप भ्रष्टाचारी हैं, कोई दूसरा नहीं कह रहा, कोई दूसरा गुनहगार नहीं है, हम लोग गुनहगार नहीं है, आप गुनहगार हैं। 15 साल लालू जी सत्ता में रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हो गए तो रेलवे का नौकरी खा गए, यही है क्वालिटी आपकी, गलतफहमी में मत रहिएगा। भगवान करे कि अभी तो 10 साल में आपने कोई मेहनत नहीं किया, 8 साल में आगे मेहनत कर लीजिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं साथी जो 1.5 साल के उम्र में अरबपति बनने वाले हैं, दूसरा कोई मैकेनिज्म आपके पास। समर्थन में और पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम करेगी। और आज एक एक चीजों पर आऊंगा, चिंता मत कीजिए। शांति शांति। देखिए, अरे आप लोग तो खेला कर रहे थे, हम लोगों ने खिलौना दे दिया है सदस्य का, खिलौना से जाके खेलिएगा। शांति शांति। देखिए साथियों, आज उपाध्यक्ष महोदय, कई चीजों की चर्चा यहाँ पर हुई है। ये 1996 से एनडीए का गठबंधन बना, और कुछ लोगों को भ्रम है कि मैं किसी एक पार्टी का जन्मदाता हूं, जन्म वहां लिया, और उनको पता भी नहीं होगा, बच्चे होंगे, छोटे होंगे, इसमें कहा दूं, मैं छोटे भाई है, सम्मान करता हूं मैं उनका। साथियों एक चीज समझिए, 1995 में आदरणीय नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए समता पार्टी का गठन 94 में हुआ, और मेरे को लालू प्रसाद जी के राज में हजारों लाठियों से पीटने का काम किया और जेल में डालने का काम किया और अपराधी के तरह बर्ताव करने का काम किया। और मैं जानता हूं उसी लालू प्रसाद जी को माफी मांगना पड़ा मिलर स्कूल के मैदान में। गलतफहमी में आप मत रहिए, मैं एक एक व्यक्ति को चिंता हूं। अभी आदरणीय तेजस्वी जी कह रहे थे कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी आरक्षण देती थी, एक व्यक्ति का नाम बताइएगा तो आरक्षण जिसको मिला होगा, एक व्यक्ति। 90 से 2005 तक किसी भी रूप में कोई आरक्षण मिला हो तो आप हमको बताइए, मैं जानना चाहता हूं। आरक्षण आपको मिला। अरे हम लोग तो लाठी खा के आए, अत्याचार खा कर देखना पड़ा, लाठियों की लाठियां और घर मेरा तोड़ दिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उस समय आयोग का गठन किया और उस समय हमको मुआवजा देने का काम किया बिहार की सरकार। हम लोगों ने वो दिन देखा है, कहां गलतफहमी में आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं साथियों आप, और आप छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा सलाह है आपको कि आप मेहनत करें, इसमें कहीं दो मत। भगवान करे कि अभी तो 10 साल में आपने कोई मेहनत नहीं किया, 8 साल में आगे मेहनत कर लीजिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं साथी जो 1.5 साल के उम्र में अरबपति बनने वाले हैं, दूसरा कोई मैकेनिज्म आपके पास।
भ्रष्टाचार का प्रतीक कौन है? सिर्फ सिर्फ लालू प्रसाद जी का परिवार। और आपको पता नहीं है, आज 15 साल लालू जी सत्ता में रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हो गए तो रेलवे का नौकरी खा गए। यही है क्वालिटी आपकी, गलतफहमी में मत रहिएगा। और मैं सब जानता हूं चंद्रशेखर जी, अरे हमारे छोटे भाई हैं, इनको मैं सलाह दे रहा हूं। अभी बोल रहे थे ना, जिस दिन सरकार बदली तो कहा गर्व से कि खेला कर देंगे। ये क्या हो गया, खेला हो गया ना। और आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं, ये जो 5 विधायक हमारे गायब हुए हैं ना, एक एक का इलाज करूंगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। और कहां कहां रहा, यहां तो सदस्य ने ही कहा कि हमरे लोग खाना हमरा खाए, और आज विधानसभा आ गए। आप हमको लोकतंत्र सिखाइएगा? लोकतंत्र लूट रहे थे आप पिछले एक सप्ताह से, लूटने का काम कर रहे थे, और आप हमको सिखा रहे हैं? ये तो सामने सामने आए, अरे आप तो छुपा के रखे। सारे चीजों की जांच होगी, गलत कंफर्म रहिए, कोई छूटने वाले नहीं है आप लोग। और साथियों, आप जो माफिया राज सोचते हैं, माफिया राज बनाना चाहते हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, यही है आपका। ये सब पे इलाज होगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। और हम लोग देख रहे कर रहे थे भाई साहब हमारे कि लालू जी का परिवार कभी डरेगा नहीं। अरे आपके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने वाला भाजपा है, गलतफहमी में मत रहिए। 39 विधायकों का समर्थन था तब मुख्यमंत्री बने, नहीं तो आप कहां थे? अरे आप कहां थे? आप समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि लालू जी भी मुख्यमंत्री बने, आदरणीय नीतीश कुमार जी उसमें उनके चाणक हुआ करते थे। लालू जी को यदि नीतीश जी का साथ नहीं होता तो मुख्यमंत्री बने होते क्या? लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, सीबीआई हमने नहीं खिलाया है। सीबीआई 1996 में आया, यही लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री के तौर पर थे, तब वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के थे, और जनता दल की सरकार देश में थी तब प्रधानमंत्री आपका था, कोई दूसरे का नहीं था। तब से आप जेल जा रहे हैं, कोई नया काम नहीं हो रहा है, इसलिए ये तो आपका सर्टिफिकेट है। आपके पार्टी ने आपको कहा कि आप भ्रष्टाचारी हैं, कोई दूसरा नहीं कह रहा है, आपको कह रहा है। ये 96 से हो रहा है, आप थोड़े हो रहा है 96 से। लालू जी को लगातार, और किसके साथ बैठे हैं? शकील साहब अभी बोल रहे थे, पहले तो किसी को बोलना ही नहीं दे रहे हैं शकील साहब, बेचारे अजीत शर्मा जी पहले नेता थे, उनको कभी कभी मौका मिलता था। कांग्रेस पार्टी के युवराज जिसने लालू जी का ऑर्डिनेंस फाड़कर, अब मुखिया भी लालू जी नहीं बन सकते, बस यही कारण है, कोई दूसरा गुनहगार नहीं है, हम लोग गुनहगार नहीं है, आप गुनहगार है। आप ही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लालू जी को मुखिया बनने से भी रोक दिया, यही है। इसलिए एकदम स्पष्ट है, और ये गलतफहमी में आप हैं कि लोग कहते हैं कि हमने नौकरी दे दिया, हमने नौकरी दे दिया। एकदम अरे आप बड़े भाई हैं, कहां दिक्कत है, आप काहे गुस्सा रहे हैं? देखिए, तो राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा है? ऑर्डिनेंस फाड़ा है ना? ऑर्डिनेंस किसने फाड़ा? लालू जी का ऑर्डिनेंस किसने फाड़ा? बैठ जाइए शकील साहब, बैठ जाइए। देखिए, ये लोग कह रहे थे नौकरी, लालू जी के पूरे राज में, पूरे 15 साल में 1990 से लेकर 2005 तक पूरे बिहार में 1 लाख लोगों की भी नौकरी नहीं हुई, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2020 तक, मैं 2020 तक कर रहा हूं, 2020 तक
7.5 लाख लोगों का नौकरी हुआ। और 2020 में हमारा कमिटमेंट था, हमारा कमिटमेंट था सरकार में आए और 10 लाख रोजगार देना था। 1,75,000 नौकरी की बात जो विजय बाबू ने कहा, ये किसके समय निकला, इसमें कहा तो मत, विजय बाबू के समय में जब ये शिक्षा मंत्री थे 1,75,000 शिक्षकों की बहाली निकली। कहां आप है? देखिए गलतफहमी में मत रहिए, अभी तो देखिए कितना शुभ है कि अभी उपाध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड करता हूं, लेकिन मैं ये को शुभ लक्षण बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बनाया उप मुख्यमंत्री के तौर पर, पहले लक्ष्य था 1,02,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से मिलने वाला था 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष में, और अभी इस मार्च तक का लक्ष्य बदलकर 1,11,009,000 करोड़ रुपया ऑटोमेटिक बढ़ गया बिहार के लिए। यह है बिहार को पूरी तरह, आप बजट का आकार आपने देखा हो, 2,61,000 करोड़ का बजट रहा है एकदम। देखिए आप अपनी बात रखते रहे, आज पूरी तरह देखिए, आज विश्वास मत के समर्थन में पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, लेकिन एकदम स्पष्ट, शांति शांति, अरे आपके नेता बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था, शासन स्थापित होगा बिहार में, कानून का राज स्थापित होगा, और ये जो गुंडागर्दी हुआ है ना, एक एक विभाग का फाइल खुलेगा और सबकी जांच कराने का काम किया जाएगा। मैं जानता हूँ क्या भ्रष्टाचार हुआ है, ये सब पता चलेगा। इसलिए आज विश्वास मत में पूरी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्ण भरोसा करती है, और पूरे भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी को समर्थन करने का काम करेगी। धन्यवाद।